हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा है कि वो इग्नू में ऑनलाइन एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं और उनको ऑनलाइन एडमिशन करने में बहुत दिक्कत जा रही है, स्पेशली पेमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत हो रही है और इग्नू की जो साइट है बार बार हैंग कर रही है, प्रॉपर ढंग से ओपन नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप से ये इनकी बात बिल्कुल सही है और अभी विगत लगभग 3-4 दिनों से ऐसा देखने में आया है कि ह्यूज ट्रैफिक होने की वजह से, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से इग्नू की साइट, स्पेशली जो ऑनलाइन एडमिशन का पोर्टल है, उसमें प्रॉब्लम्स हो रही है और प्रॉपर ढंग से जो एडमिशन की प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, वो नहीं हो पा रही है और विद्यार्थी कंटिन्यू अपने रीजनल सेंटर पे अप्रोच कर रहे हैं, मुख्यालय नई दिल्ली को भी अप्रोच कर रहे हैं, ईमेल्स के माध्यम से, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं। लेकिन अभी इसके बारे में क्या सलूशन है, कोई ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला है कि डेट्स जो एडमिशन की 31 जुलाई तक है वो और बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। री रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक डेट की बात है तो वो तो शायद 31 जुलाई तक ही अब होगी, इसके बाद डेट पूरी हो जाएगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत पहले से प्रक्रिया चल रही है, ऑलरेडी लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं। लेकिन एडमिशन के लिए अभी सी संभावना है, संभावना शब्द पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि ये संभावना है, कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है, लेकिन फिर भी संभावना है कि जो पुरानी प्रैक्टिस रही है इग्नू की, जब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, लोगों को फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत जाती है, साइट हैंग होती है, तो थोड़ा सा टाइम विद्यार्थियों के हित को देखते हुए विश्वविद्यालय हमेशा से देता रहा है, तो ऐसी संभावना है कि एक बार फिर से 10 से 15 दिन का समय और मिलेगा तो ये जो डेट है बढ़ के 15 अगस्त के आसपास तक हो सकती है। तो जो लोग परेशान हो रहे हैं पेमेंट ना होने की वजह से, ऑनलाइन एडमिशन ना होने की वजह से, तो आप परेशान ना हों और आपको जल्दी ही आजकल में ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और अभी मैं ऑनलाइन एडमिशन की वेबसाइट पर ट्राई कर रहा था कि शेड्यूल क्या है, तो पहले तो शेड्यूल 31 जुलाई तक दिखता था लेकिन फ़िलहाल वो भी नहीं डिस्प्ले हो रहा है, शायद लॉक है क्या है। तो इसका मतलब ये भी है कि डेट्स में कुछ परिवर्तन होने हैं, इसी वजह से वो पुराने शेड्यूल को हटा दिए गए हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, और आपने बार बार कमेंट किया है कि एडमिशन्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कहीं मेरा टाइम तो नहीं ख़राब हो जाएगा, पूरा ये साल तो नहीं बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको अवसर मिलेगा, इस बात की पूरी संभावना है। दूसरी बात, जो SC ST के अभ्यर्थी हैं, इग्नू अपने बहुत सारे प्रोग्रामों में निःशुल्क प्रवेश दे रहा है जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन मोड में क्षेत्रीय केंद्र पर आप अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तीसरी बात उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी लगभग 2 माह 2.5 माह पहले ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है, उन्हें अपने एडमिशन के स्टेटस के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है, वो चिंतित हैं कि क्या हुआ, कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया। तो वो सभी अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन एडमिशन के माध्यम से प्रवेश लेने के लिए अप्लाई किया है, ऑलरेडी उनके पास यूज़र ID पासवर्ड है और वो लॉगिन करके अपने एडमिशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, नो न्यू योर स्टेटस में जा करके वो अपने एडमिशन फॉर्म की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर अभी कोई स्टेटस नहीं आ रहा है, यानी अगर आपका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, तो बहुत जल्दी ही वो एडमिशन आपका कंफर्म होगा अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। इन केस कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसकी भी सूचना आपको ईमेल के माध्यम से आती है, मैसेज के माध्यम से आती है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं, इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है और अब वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अभी उन्हें क्या अब उन्हें क्या करना है, अब उनके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो उनके लिए यह है कि अभी चूंकि एडमिशन की जो प्रक्रिया है, ज़्यादातर आपको ही पता ही है कि एडमिशन की जो लास्ट डेट होती है लगभग उसके 15-20 दिन बाद भी एडमिशन की प्रक्रिया चलती रहती है। किस टाइप की प्रक्रिया चलती रहती है, एडमिशन जब कंफर्म होता है उसकी लिस्ट बनती है, फिर आपके जो सेंटर्स हैं जहां आपको अपनी क्लासेस अटेंड करनी है वहां लिस्ट भेजी जाती है। तो ये जो 10 से 15 दिन होते हैं उनमें ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं डेट क्लोज होने के बाद। तो आप ये मान के चलें कि ये जो महीना है अगस्त का महीना है, इसके लास्ट में या सितंबर फर्स्ट वीक में आपकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, जो इंडक्शन मीटिंग वगैरह है वो होगी और फिर आपकी जो क्लासेस वगैरह हैं वो भी सितंबर महीने में आपके अध्ययन केंद्र पे
संचालित होंगी या उसकी सूचना मिलेगी कि कब से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो फिलहाल आप अभी एक महीने तो आप निश्चिंत रहें, अभी एक महीने तक कोई ऐसी स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं होने वाली है, और जो होगी भी तो उसकी सूचना आपको आपके मोबाइल पे एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से संबंधित क्षेत्र केंद्र के द्वारा निश्चित रूप से भेजी जाती है, भेजी जाएगी, मिलेगी। ऐसा पूर्व में होता रहा है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऐसा बताया है, तो निश्चित रूप से आपको भी इसका लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कई चीज़ें कवर की। जो लोग अभी एडमिशन से वंचित हैं और एडमिशन के लिए प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से वो परेशान भी हैं कि भाई हमने ऑनलाइन अप्लाई किया है, कहीं पेमेंट नहीं हो पा रहा, किसी के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो वेबसाइट में प्रॉब्लम होने की वजह से, सर्वर में ह्यूज ट्रैफिक होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, तकनीकी दिक्कतें हैं, तो निश्चित रूप से ये जल्दी ही ठीक कर ली जाएंगी और शेड्यूल शायद रिवाइज होगा, आपको समय मिलेगा, डेट जो है वो बढ़ सकती है 10 से 12 दिन, तो जल्दी ही इसकी सूचना भी आएगी। और जो लोग रीरजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ क्वेरी कर रहे थे, उनके बारे में ये बताना है कि रीरजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है 31 जुलाई तक डेट थी और जल्दी ही ये पूरी होने वाली है और इसकी डेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो करा लीजिए, जो बचा हुआ समय है आपके पास। और जिन्होंने फ्रेश एडमिशन ले लिया है वो थोड़ा सा वेट करें, परेशान ना हों। और इसके बाद जहाँ तक किताबों की बात है, बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि एडमिशन कंफर्म हो गया, किताबें अभी नहीं आई, तो किताबों में थोड़ा समय लगता है, आपके घर के पते पे आती हैं, तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, वो भी आएंगी, आपके घर के पते पे आएंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत सारी इन चीज़ों के बारे में जाना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अब एडमिशन जब आप ले लेते हैं, आपकी इंडक्शन मीटिंग हो जाती है, तो फिर आपको और क्या करना होता है, असाइनमेंट कैसे बनाने होते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, क्या रोल है असाइनमेंट का, तो असाइनमेंट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इग्नू से संबंधित आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद फिर हम आपको एग्जामिनेशन के बारे में भी बताएंगे, इग्नू में एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरे जाते हैं, किन लोगों को एग्ज़ाम देना होता है, जिन लोगों ने अभी एडमिशन लिए हैं उन्हें कब एग्ज़ाम देना होगा, बहुत सारी ऐसी क्वेरीज़ हैं जो आपके मन में होंगी, और इन सभी पे केंद्रित नेक्स्ट वीडियो एक लेके आएंगे, एक तो असाइनमेंट का, एक एग्जामिनेशन का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बार फिर से आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।